कोहरे और ठंड में अक्सर हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और जिसमें कई लोगों की जान जा रही है। इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने छेड़ा है एक बड़ा अभियान। गाजियाबाद पुलिस अब मेरठ एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है उस पर दो पहिया और तीन पहिया वाहनों पर रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे पर पहले से ही वाहन दुपहिया तीन पहिया वाहन चलाने की मनाही थी, लेकिन ठंड और कोहरे के चलते जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए दो दिन से जबरदस्त अभियान छेड़ा गया है। और कल गाजियाबाद पुलिस ने जहां 473 चालान किए थे, वहीं आज करीब 180 चालान किए जा चुके हैं। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जैसा कि विदित है कि दो पहिया और तीन पहिया वाहनों का प्रवेश और आवागमन प्रतिबंधित है, उसी को देखते हुए सुरक्षा और अवेयरनेस की दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो वाहन दो पहिया तीन पहिया वाहन जो अनाधिकृत तरीके से डीएमवी में प्रवेश कर जा रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है, इसके साथ लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। सर, ये गाजियाबाद की तरफ से पहली बार हो रहा है या पहले से ही ये नियम लागू है? पूर्व में भी कई बार ऐसे अभियान चलाए गए हैं, लेकिन अभी क्योंकि ठंड भी है, कोहरे के चलते काफ़ी एक्सीडेंट्स भी बढ़े थे इधर, तो उसको देखते हुए ये अभियान स्वरूप चलाया गया है और इसमें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। सर, सुरक्षा को दृष्टि देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है या और कोई कारण? ये सुरक्षा और जागरूकता दोनों की दृष्टि करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें कल भी हमारी पुलिस द्वारा 473 चालान किए गए हैं और आज भी सुबह से ही यातायात पुलिस द्वारा ये अभियान चल रहा है, जिसमें 180 के लगभग चालान हो चुके हैं।